Good morning, students. So I welcome you all back in this new video. And in this new video, again, we will move further in our lesson number one, matter in a surrounding. So previous videos में देखा था कि matter in a surrounding में हमने जो last topic cover किया था, वो था कि कैसे solid, liquid और gaseous state जो है, वो can matter change its state? यानी कि जो matter है, वो चाहे किसी भी form में हो, क्या वो उस फॉर्म को छोड़ करके किसी और फॉर्म में यानी कि अपने आप को किसी और सेट में कन्वर्ट कर सकता है। इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो हमने जो रिवाइज करने के लिए हमने बेस्ट एग्जांपल वो होगा आइस का, ठीक है, यानी कि वाटर का। तो वाटर एक्चुअली आपको नॉर्मल फॉर्म में मिलता है, वो मिलता है आपको लिक्विड फॉर्म में, और जब उसे फ्रीज करते हो तो वो फ्रीज होने के बाद बन जाता है बर्फ, और आइस बनने के बाद जब आप उसे हाई टेम्परेचर पर अगर आप उसे फिर से अगर आप बॉयल करो क्या हो जाएगा, वो फिर से वाटर बन जाएगा और वाटर से फिर से वो गैस ही बन जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन सारे फॉर्म को अडेप्ट कर सकता है एक वाटर अकेला। तो इससे हमें आइडिया मिला कि यस, ऐसे मैटर्स हैं जो कि अपना फॉर्म बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं बदल सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो वो है सीमेंट, ठीक है। सीमेंट अगर मान लो आपने अगर दीवार बना दिया, आपने अगर दीवार है, क्या वो लिक्विड या फिर गैस बन सकता है? नहीं बन सकता है, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो एक आपके पास ऐसे एग्जांपल भी हैं कि कंटिन्यूसली वो अपना स्टेट बदल सके, ऐसे नहीं है जैसे वाटर, और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो कि अपना स्टेट नहीं बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका घर का दीवार जो है, वो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज का है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का जो बदलाव होता है, हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। व्हाट विल हैपन इफ वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, CO2 गैस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, एक नॉर्मली हमारे एटमोसफेयर में अवेलेबल है, तो जब आप सिर्फ CO2 को इस नॉर्मल एयर में से निकाल करके उसे अगर आप प्रेशराइज करो तो वही CO2 बदल करके एक सॉलिड का फॉर्म लेता है जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि ड्राई आइस भी होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, वो होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। चलो, विल पार्टिकल्स कम क्लोजर, डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? डेफिनेटली, ओके। तो देखो, अभी यहाँ पर जो हमारा फिगर 1.8 है, तो फिगर 1.8 में तीन इमेजेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर तीन इमेज आपको दिए हुए हैं, पेज नंबर है हमारा 1, ओके। तो वहाँ पर क्या है कि पिस्टन है, सिलेंडर है, और पिस्टन कुछ इस तरीके से उसमें लगाया गया है कि जब उसे आप दबाओगे तो उसमें से हवा बाहर नहीं निकल पाएगी, बल्कि उसे दबाव पड़ेगा हवा पर, समझ रहे हो मेरे पॉइंट में, यानी हवा देखो हर जगह है, उस सिलेंडर में भी होगा। जब उस सिलेंडर में पिस्टन को ऐड करोगे तो क्या होगा, वो उस हवा को कंप्रेस करेगा यानी दबाएगा, उसको दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने पे क्या होगा, जब आप उसे धीरे धीरे दबाओगे तो आखिरी में देख सकते हो कि जो उसके जो एटॉम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, और ऐसे ही पार्टिकल्स पर अप्लाई करने पर वो टुगेदर ज्वाइन भी हो जाएंगे, यानी कि मतलब वो आपस में जुड़ सकते हैं या कुछ नया कुछ फॉर्मेशन बना सकते हैं, समझ रहे हो। Have you heard of solid carbon dioxide CO2? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. तो dry ice से क्यों बोलते हैं? यहाँ पर देखना चाहिए हमें dry ice को क्यों कहते हैं? क्यों नहीं हम इसे wet ice
या इसे हम सॉलिड आइस या इसे हम कुछ और भी नहीं बोलते हैं। ये बोलने की वजह ये है कि CO2 जो है वो बिना पानी यानी कि वो गैस से सीधा बनता है सॉलिड। समझ रहे हो कब बनता है? तो जब CO2, तो CO2 का क्या होता है कि जब उसे कंप्रेस करते हैं वो बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए गैस से सीधा बन जाता है अपना सॉलिड फॉर्म, और वो जो फॉर्मेशन करता है वो क्या बनाता है, वो अपने आप बदल करके फिर वो सॉलिड आइस, ओके ड्राई आइस, ड्राई आइस में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है चलो। और क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में नहीं बदलता है इसलिए हम इसे ड्राई आइस कहते हैं। ओके अब आते हैं एक नए टॉपिक पे और वो है हमारा इवेपोरेशन। आई थिंक इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो अच्छा रहेगा। ओके तो इवेपोरेशन जो हमारा टॉपिक है यहाँ से हम शुरू करते हैं अगले वीडियो में, और बहुत ही जल्द हमारा लेसन नंबर वन फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं सुबह से अगले वीडियो में जहाँ पर हम शुरू करेंगे इवेपोरेशन टॉपिक से। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।